इसमें अगर हम नंबर्स फिलहाल मैं खुद ही दे रहा हूँ, यूजर से भी ले सकते हैं। तो मेरे ये एरे है हमारे पास और इस एरे का मैक्सिमम नंबर फाइंड है। जो लॉजिक हम पहले लगाते थे, एक वेरिएबल ले लेते हैं मैक्स और एरे को रन कर लेते हैं जितने उसमें एलिमेंट्स हैं, जितने एरे में। अगर मैक्स छोटा है ए ऑफ आई, अब ए ऑफ आई क्या है, एक एक करके जो एलिमेंट्स था पहले ए ऑफ जीरो, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू, ए ऑफ थ्री, तो मैक्स के अंदर रख दे ए ऑफ आई। और मैक्स नंबर प्रिंट हो जाए, वही लॉजिक जो हम कर मिनिमम करना है तो उसको लेस देन से ग्रेटर देन कर देंगे। सेवेंटी नाइन ही था हमारा, सब भी हो जाएगा। ये तो था सिंपल एरे। अब इस एरे को हमारे पास लिस्ट है, इलेवन कोई क्रिकेट लिस्ट की है, कुछ भी है, ठीक है, कंप्लीट हमारे पास अच्छा सा एक एरे बना है। कहाँ अच्छी ओपनर अच्छा नहीं है ना, बिल्कुल कोई भी नाम ले लिया हमने। ये कंप्लीट हमारे पास है, अब मैं क्लास बना रहा हूं, ये पब्लिक वाइड प्रिंट एरे। ये मेथड जो है ना, अभी इनपुट क्या ले रहा है, स्ट्रिंग नहीं, इंटीजर नहीं, डबल नहीं, स्ट्रिंग टाइप का एरे ये ले रहा है एज एन इनपुट, पूरा का पूरा एरे। और ये क्या करेगा, ये उस एरे को एज डॉट लेंथ, अब मुझे यहां पे नहीं पता ना वो एरे कितना बड़ा है, कितना बड़ा भी एरे आ सकता, इसे नहीं पता, इसके पास कुछ भी आ जाए, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहां से हम पास कर देते हैं इसको पी डॉट प्रिंट एरे, जिसमें नेम्स का एरे मैंने पास किया, क्योंकि हमने एरे पास किया सिर्फ वेरिएबल नेम जिसमें वो एरे रखा हुआ है, नेम्स के अंदर पूरा का पूरा एरे रखा हुआ है।
तो ये पूरा का पूरा एरे इस तरह से पास हो जाएगा, और वो क्लास इसे प्रिंट कर देगी या जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहे। ये रेफरेंस देगा ऐसे, ये रख देगा उस पूरे एरे को यहाँ पे एस में स्ट्रिंग टाइप का। अगर इंटीरियर होता तो फिर एड आएगा कि आप इंटीरियर टाइप का मांग रहे हैं, आप दे दो हमें स्ट्रिंग। लेकिन किस टाइप का बताऊं, बनाऊं या बताऊं? स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग एरे का ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है स्ट्रिंग एरे टाइप का या इंटीजर एरे टाइप का। ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट जो होंगे वो स्ट्रिंग्स के होंगे, मतलब इसके ये ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है, ये बेसिकली ये कर रहा है एरे का ऑब्जेक्ट बना रहा है, स्ट्रिंग एरे जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग एलिमेंट्स आ सकते हैं। अलग अलग नहीं, क्लास एक है, बात अलग अलग है। ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का जो बनेगा ना वो स्ट्रिंग क्लास का बनेगा, उसके अंदर हम स्ट्रिंग क्लास की हर फंक्शनलिटी को कॉल कर सकते हैं। ये बनेगा स्ट्रिंग एरे का, स्ट्रिंग एरे में स्ट्रिंग क्लास की कोई फंक्शनलिटी कॉल नहीं होगी, स्ट्रिंग एरे की ही सिर्फ कॉल होगी। जो लेंथ मेथड है ये स्ट्रिंग एरे का है, स्ट्रिंग का नहीं है। सही है, अगर चाहिए स्ट्रिंग तो उसके अंदर से एक एलिमेंट उठाएंगे तो उसकी स्ट्रिंग क्लास की क्वालिटी से कॉल करें। समझे बात? क्या अब जो अगर मैं नेम डॉट करता हूं तो ये डॉट के बाद स्ट्रिंग की कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सारे एरे की चीजें आएंगी। तो ये हमारे पास सिंपल प्रिंटिंग है। जीरो पे गया अहमद शहजाद और मोहम्मद अफी शायद अफी, जो सीक्वेंस वहां दिया है वही सीक्वेंस यहां पे। क्लियर? एरे पास इस तरह होगा। खैर ये काम हम थोड़ी देर के लिए क्लास हटा देते हैं, प्रिंटिंग यहीं पर ही करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज मुझे बताया, अगर मुझे पहला प्लेयर चाहिए हो तो मैं प्रिंट में क्या लिखूंगा? क्या क्या आएगा? मतलब अगर पहला चाहिए, पहला जीरो पे होगा, और अगर लास्ट चाहिए तो लेंथ टेन। नहीं, मुझे नंबर नहीं पता ना कितनी अगर यहाँ हम लेंथ लिख देते हैं इस तरह से तो बाउंड गैर, क्योंकि इलेवेंथ एलिमेंट देता है 11, 11th एलिमेंट हमारे पास नहीं है। नेम डॉट लेंथ, इसीलिए हमें यहां पर लेंथ माइनस वन लिखना पड़ता है। तो लेंथ कंप्लीट उसकी रेंज होता है ना, तो लास्ट है हमारे पास जो है वो आ जाए। सही, अगर मिडिल का चाहिए, मिड का चाहिए तो डिवाइड टू कर सकते हैं, मतलब लेंथ के थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं। मिड चाहिए तो डिवाइड टू, हाँ वो पॉइंट में आएगा तो राउंड अप हो जाएगा बस। अब ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है कंप्लीट एरे। अब एरे के लिए आपके पास एक फैसिलिटी है सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग क्या होती है? सीक्वेंस में, जैसे सॉर्टिंग में होता है कि नंबर्स वाइज अगर है तो मिनिमम टू मैक्सिमम आ जाए,
बहुत सारे नंबर है तो अरेंजमेंट में आ जाएगा, रेंज हो जाए, वन पहले टू बाद में थ्री का, अल्फाबेट से ए टू जेड आ जाएंगे डिक्शनरी में आप, इसे हम कहते हैं सॉर्टिंग। पहले सॉर्टिंग का असल मतलब तो तरतीब देना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम सॉर्टिंग इसे कहते हैं ऑर्डर में लाने, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग दो तरह की होगी, लेकिन एरे में सिर्फ असेंडिंग हो सकती है, डिसेंडिंग का तरीका है लेकिन वो एरे में नहीं, वो अलग क्लास के जरिए से एरे को करना। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एरे में फंक्शनैलिटी नहीं, सॉर्टिंग भी नहीं, जावा में भी करना है। हाँ नहीं, एलिमेंट्स एलिमेंट्स आप बात सही कर रहे हो, सॉर्टिंग या डिसेंडिंग असेंडिंग कोई भी एरे की फंक्शनैलिटी नहीं, एरे अपने आप को कभी भी सॉर्ट नहीं कर सकते, कभी भी। अगर मुझे एरे को सॉर्ट करना है ना, मुझे दूसरी क्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो क्लास आके इसको सॉर्ट कर दे। एरे का कोई मेथड सॉर्ट नहीं है, मैं ये नहीं लिख सकता नेम्स डॉट सॉर्ट, एरर आ जाएगा, सही। जावा डॉट यूटिल पैकेज में जो स्कैनर होती है, माय क्लास है एरेस, एरेस क्लास। हाँ लॉजिक लगा के कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मेथड नहीं है, अगर नेम्स और सॉर्ट लिख लॉजिकली हो सकता है, वो जो क्लास आ रही है वो भी लॉजिकली कर लेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं एरे को बोलूं सॉर्ट हो जाओ सॉर्ट हो जाएगा, लॉजिक्स लगानी पड़ेगी, खुद करना पड़ेगा, वो अपने आप को नहीं कर सकते, है ना। तो हमें जो दूसरी क्लास की मदद लेनी पड़ेगी ना, उसका नाम है एरेस क्लास, इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले, एरेस क्लास जावा डॉट यूटिल डॉट एरेस पैकेज। अब इस क्लास का मेथड है सॉर्ट, जैसे हम यहां क्या करते हैं, पहले प्रिंट करा लेते हैं, आफ्टर सॉर्टिंग फिर से प्रिंट करा लेते हैं। मेथड है एरेस क्लास का, स्टेटिक मेथड है सॉर्ट, ठीक है। ये एरे का मेथड नहीं है, ये एरे एक अलग क्लास है बिल्कुल, उसका मेथड है सॉर्ट, जो कहता है आप मुझे कोई भी एरे दे दो, किसी भी टाइप का दे दो, मैं उसको सॉर्ट कर दूंगा असेंडिंग ऑर्डर, इस मेथड के डिसेंडिंग के भी तरीके हैं, सिर्फ इंटीजर्स के लिए, किसी भी टाइप, मतलब डेटा टाइप में कुछ भी, स्ट्रिंग इंटीजर डबल फ्लोट, स्ट्रिंग को कौन से बेस ए टू जेड, डिक्शनरी ए टू जेड, जैसे मैंने यहाँ सॉर्ट किया, ये ओरिजिनल एरे को चेंज कर देगा, नया नहीं देगा, ओरिजिनल को चेंज करेगा। अब ये पहले प्रिंट हो रहा है ओरिजिनल एरे, फिर सॉर्ट हो रहा है, फिर दूसरा एरे प्रिंट हो रहा है, तो उसकी प्रिंटिंग अब किस तरह होगी, पहले प्रिंट हो रहा था ऊपर वाला, फिर प्रिंट हो रहा नीचे वाला, नीचे वाला सॉर्टेड है, बाय वाले नीचे चले गए सर, ए के बाद एच आता है, फिर एम आता है, एस से फिर वाई, है ना, ये सॉर्टिंग करते हैं, ये कर सकते हैं इसको उल्टा प्रिंट करा दो, फिर वो कुछ क्या सॉर्ट कैसे हुआ, ये मेथड है एरेस क्लास। हाँ जितनी आगे समझाएगा आसानी होती जाएगी, कह रहा आसानी होती जाएगी, सॉर्टिंग होती है बबल सॉर्टिंग और सब चीजें हैं, लेकिन ये भी एक सॉर्ट का तरीका आसान भी है, जावा सिर्फ इस एक लाइन से यही हैरानी होती है, एक लाइन में कैसे हुआ, इस एक लाइन में ये कह रहे हैं आपसे बोल रहे हैं आप मुझे एरे दो, जैसे मैंने वहां एरे पास किया था ना अगेन प्रिंट क्लास में, ये कह रहा है मुझे एरे दो, मैं उस एरे को आपके लिए सॉर्ट कर दूं, सही। सॉर्टिंग का मतलब है मोहम्मद समीम 10th पे है, 11th नंबर पे है, अभी 11 पे नहीं रहा,
अब ये चला गया है जो लोकेशन उसको सॉर्टिंग के बाद मिली, ठीक है। जैसे हम प्रिंट करा रहे थे ना अभी, अब हम यहां प्रिंट कराते हैं नेम्स डॉट लेंथ माइनस वन लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट एरे का क्या है? अभी एरे का लास्ट एलिमेंट है मोहम्मद समी। सॉर्ट करने के बाद लास्ट एलिमेंट क्या है? चेंज हो जाता है ऑर्डर ना, अब ये यूनुस खान का है। माइनस वन ये हमने ये किया था, ये नेम्स के ब्रैकेट में हमें चाहिए लास्ट एलिमेंट। अब लास्ट एलिमेंट कैसे पता चलेगा? अगर हमें एरे की लेंथ नहीं पता कि एरे में कितने एलिमेंट, तो एरे डॉट लेंथ का जो मेथड ये हमें बताता है कि उसकी रेंज कितनी, इस एरे की रेंज कितनी आएगी, ऊपर लिखा है 11, रेंज 11 है ना, तो यह आ जाएगी 11, लेकिन 11 में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो माइनस माइनस टू थ्री कर सकते, डिवाइड बाय टू भी कर सकते, मिडिल एलिमेंट आ गया, या कोई भी नंबर ले सकते। लेंथ हमने सिर्फ अपने फायदे में ली कि लास्ट एलिमेंट पता कर ली, तो ये लास्ट एलिमेंट बता देगा सॉर्ट वाला। अब इसी की जगह नंबर्स वाला एरे होता है, इंटीजर एरे होता है, डबल एरे होता है, वो वन से लेके फर्दर इंक्रीज करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई एरे बना देते हैं नया, ठीक है। अभी हम प्रिंट करा देते हैं बी को, एरे सॉर्ट कर दो बी एरे, सही है, और ऊपर लीजिए सर प्रिंटिंग की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक है भाई, आप लोगों के फ्राइडे क्लास नहीं आ रहे, मेरे तो कुछ ड्रॉप का शौक से, और मुझे भी खुशी होती है आप लोगों के प्रोजेक्ट देख थी, अमना ईमेल उनकी ईमेल आती मालूम क्या थी। अब इस मंडे को फ्राइडे क्लास का मुझे समझा दीजिएगा, अमने को अमना को भी हर फ्राइडे को क्लास में क्या है बिफोर आई क्लास आपको सबमिट करना, अगर नहीं सबमिट किया ना जमा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पॉलिसी रोजा नहीं होती तो इस एरे में पहले तो प्रिंट करेगा एज इट इज जो है, बाद में सॉर्टिंग के बाद प्रिंट कर देगा। सॉर्ट हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं आता सॉर्टिंग को। हाँ लॉजिक अच्छी है, बेहतर है, डिसेंडिंग असेंडिंग के लिए मेथड भी है, मेथड भी है इसमें, कलेक्शंस क्लास है वो है मेथड, अरेंज हो गया, अभी उल्टा प्रिंट करा लो तो हो जाएगा। लॉजिक से ये बिल्कुल सही है लॉजिक, कि अगर हम उसको सॉर्टिंग से करें ना खुद से तो हमारी लॉजिक बेहतर हो जाएगी। लॉजिक प्रैक्टिस के लिए है कि हम कर सकते हैं, सॉर्टिंग जो होती है हमारे वो अलग अलग टाइप की होती है, शायद आपने कुछ पढ़ी बबल सॉर्ट वगैरह, हाँ उसमें था सॉर्टिंग कोड था बिल्कुल, लेकिन
बहुत सारे हैं, काफी है ना। लेकिन उसमें क्या है कि ये जो तरीका है ना जावा का सिंगल लाइन का, ये है सिंगल सॉर्टिंग के लिए, सिर्फ सॉर्टिंग के लिए। अब सॉर्टिंग जो होती है ना आपकी, ये अपने तरीके से करता है, अपना इसका जो तरीका डिफाइंड है, ये सिंपल सॉर्टिंग कर रहा है। सिंपल सॉर्टिंग में क्या होता है, एक नया एरे बनाएगा और चेक करते हुए मिनिमम नंबर जो है वो रखता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 लाख वैल्यूज है या 2 लाख वैल्यूज है, 1 मिलियन वैल्यूज है, तब वो थोड़ा स्लो होगा ना, काम स्लो करेगा। इस टेक्निक से बचने के लिए हम नए नए तरीके आजमाते हैं सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट में क्या होता है कि वो एक एक कंपेयर दो दो करता है, पूरे पूरे से कंपेयर नहीं करता, वो पूरा बार बार नहीं चलाता, तो एफिशिएंट हुआ नहीं, जल्दी जल्दी काम कर रहा। इसी तरह और भी सॉर्टिंग के तरीके हैं बहुत सारे, इससे अच्छा है, इस वाले से अच्छा है। फिर और भी तरीके हैं, और तरीकों में क्या होता है, नहीं कुछ तो देखो बने बनाए हैं, कुछ हम भी बनाते हैं, और तरीकों में क्या होता है, और एफिशिएंट करते हैं। तो ये तरीके जो कहलाते हैं ना सॉर्टिंग के, सर्चिंग के, इस चीज को हम कहते हैं अल्गोरिथम। अल्गोरिथम कि मेरा प्रोग्राम किस तरीके से अप्रोच करे वैल्यूज, फ्लो बताते हैं। जिसका अल्गोरिथम अच्छा होगा उसका प्रोग्राम सबसे अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा। हम यही चाहते हैं ना, गूगल पे कभी सर्च करते हैं तो गूगल क्या करता है, ऊपर लिखा टाइम सेकंड आया था, गूगल सर्च दिस थिंग इन दिस सेकंड, 0.2 सेकंड या 0.1 सेकंड, कभी नोट कीजिएगा उसमें लिखा हुआ होता है, गूगल ने सर्च कर लिया 0.1 सेकंड में, तो अपनी एफिशिएंसी दिखा रहा है कि मैंने इतनी जल्दी पूरी दुनिया की वजह लेके आ गई। तो उसका अल्गोरिथम सबसे स्ट्रांग है गूगल है, वैसे भी है स्ट्रांग सबसे। किस वीडियो पे कितने क्लिक होने चाहिए, सब चीज एल्गोरिथम के थ्रू होती है। तो ये तो बिल्कुल सॉर्टिंग का एक लाइन का सिंपल तरीका जावा का बना हुआ है, लेकिन जो सॉर्टिंग हम करेंगे ना वो एरेज में नहीं करेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे कलेक्शंस, कलेक्शन लिंक लिस्ट, लिस्ट एरे लिस्ट, डिफरेंस थोड़ा सा होता है, कलेक्शन ही है, ये भी कलेक्शन वो भी कलेक्शन है, लेकिन डिफरेंस है उनका, वो फिर कलेक्शन का पूरा टॉपिक है हमारा वन वीक, उसमें हम पढ़ेंगे। लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, हैश सेट, हैश टेबल, बहुत सारे उसमें है ना। तो ये तो सिंपल सॉर्टिंग का तरीका है। अभी जो लूप है आपके कितने हैं, 3 फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। एक मैंने और बताया था याद होगा, फॉर ईच है ना, मैंने कहा था कि कलेक्शंस में यूज होता है, अरेज में यूज होता है, फॉर ईच नहीं पढ़ा ना, इनहैंस फॉर लूप इसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं इनहैंस फॉर लूप। मतलब फॉर ईच हम लिखते नहीं है, इसी को यूज करते हैं। करेंगे कैसे, ये नेम्स अगर मुझे प्रिंट करा दें तो हम लिखेंगे यहां पे इस तरह से और नेम्स प्रिंट हो, ठीक है, क्लियर है लॉजिक। फॉर ईच लूप जो होता है ये इस तरह रन होता है, फॉर एरे किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, उसके अंदर क्या वैल्यू, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एस, ये क्या करता है राइट साइड पे मांगता है पूरा का पूरा कलेक्शन, इस सेमी कॉलम के राइट साइड पे मांगता है पूरा कलेक्शन क्या है आपका, और लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल मांगता है। ये लोग पहले तो वो चलेगा कलेक्शन की पहली चीज उठा के लाएगा, नेक्स्ट टाइम चलेगा सेकंड चीज उठा के लाएगा, फिर थर्ड चीज उठा के लाएगा। इसे प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं बस, और चीजों के लिए इसको नहीं यूज करेंगे। इनएफिशिएंट है किस तरह से वो अभी हमको बता रहा है,
नहीं बॉडी में हम लिखेंगे, बॉडी में हम लिखेंगे इसकी एस, ऊपर वाला लूप और नीचे वाला लूप अभी बिल्कुल सेम। नीचे वाला क्या कर रहा है, नेम्स के अंदर से पहला नेम उठा के लाएगा एस में रखेगा, आपको दे देगा, आप उसकी बॉडी में कुछ भी करें। हाँ एक वेरिएबल नया बन रहा है जिसमें नेम्स के एक एक नेम उठा के रख रहा है जब जब ये लूप चल रहा है। पहली दफा ये लूप चलेगा ना एस में आ जाएगा तो पहला नेम है इसका अहमद शहजाद, सेकंड टाइम चलेगा तो दूसरा नेम आ जाएगा, थर्ड टाइम चलेगा तीसरा नेम आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों लूप्स को, ये फॉर लूप के जरिए हो रहा है और ये फॉर ईच के जरिए हो रहा है, तो देखें दोनों का तरीका सेम है, थोड़ा लाइन बीच में कर देते, यहां तक फॉर ईच चला है, फॉर लूप चला नीचे फॉर ईच, दोनों ने प्रिंटिंग की, दोनों सेम काम कर रहे हो जाए। हाँ अगर सिर्फ ये प्रिंटिंग कर दी लेकिन उसमें कुछ एफिशिएंसी है ना फॉर लूप में, क्यों यूज करते हैं इससे, अगर मुझे पूरा एरर प्रिंट करना है ठीक है, अब मुझे प्रिंट करना है एक से लेंगे पांच तक के नाम, तो ये इसमें नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसमें रेंज अब नहीं दे रहा है, ऊपर तो कर सकते हैं आई जीरो आई लेस देन 5 और प्रिंट कर, इसमें कंडीशन लगा देंगे, ये पूरा पूरा कलेक्शन प्रिंट करता है या लेके आता है, अब चाहे प्रिंट करें आप या उस कलेक्शन के साथ कुछ भी करें, सही है, समझ आई चीज, मतलब एरे को रिकर्जन के लिए यूज करते हैं, आइट्रेट के लिए, सॉरी रिकर्जन आइट्रेट के लिए यूज करते हैं, आइट्रेट का मतलब होता है एक एक एलिमेंट मुझे लाके देते हो आप फॉर ईच में, अब एक एक एलिमेंट आपके पास आ रहा है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो इस एक एक एलिमेंट को प्रिंट करा लें या इसको आगे भी पास कर दें या इसके साथ भी एक्शन परफॉर्म कर, मतलब अगर कोई मेथड है आपसे जो स्ट्रिंग ले रहे हैं सिर्फ स्ट्रिंग और उस मेथड को आपने 11 बार कॉल करना है, सारे जितने एलिमेंट्स हैं सबकी वैल्यू चेक करके पास कर लें, तो उस मेथड को कॉल कर लेंगे यहां से इधर से, क्या अगर मेरा प्रिंट का मेथड है, अभी प्रिंट का मेथड क्या करेगा, अगर प्रिंट का मेथड स्ट्रिंग ले रहा है पहले अहमद शहजाद लेके जाएगा फिर दूसरा जो भी अफीन लेके जाएगा एक करके ले जाएगा ना, ठीक है, तब इसके साथ हम जो भी करते हैं, पहली चीज ये है कि इसको कंप्लीट चलाएगा, जीरो से लेकर एंड तक, बीच तक नहीं चलाएगा, ऊपर वाला लूप हम अपनी मर्जी से जीरो से फाइव चलाएगा, फाइव से टेन चला कर सकते, दूसरी टेक्निकल जो इसमें चीज है वो देखें क्या है, ये मैंने एक लूप बनाया, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इफ names of i equal हसन अहमद, अगर नेम जो है वो बराबर है हसन अहमद, सही नहीं, वो इक्वल से मेथड लगा, इक्वल मेथड लगाते ना, ये तो क्लियर है ना, इक्वल मेथड क्यों लगाते, लगाते हैं इसके बाद आपका स्ट्रिंग क्लास के टॉपिक है एरे के बाद, इसमें क्लियर हो जाएगी चीज, और ठीक है अभी पहला नहीं लाएगा मैं शहजाद की कंडीशन नहीं चलेगी, दूसरा लाएगा वहां की कंडीशन नहीं चलेगी, मैं कह रहा हूं जहां हसन अहमद है वहां क्या करे, नेम्स ऑफ आई की वैल्यू चेंज करके कुछ भी रख देते हैं, क्या करेगा नहीं आइडिया, और दोस्तों रिप्लेस कर देंगे, मतलब इंडेक्स तो आ रहा है ना भाई, यहां जहां पे इसको मिलेगा ना हसन अहमद उसका इंडेक्स भी आई में इंडेक्स आ गया, उसका फर्स्ट कर लो उसका इंडेक्स क्या था हसन अहमद का 8 था 8 आ गया, नीचे नेम ऑफ आईडी इक्वल टू वसीम अकरम उसको रिप्लेस कर दे, तो ओरिजिनल एरे के अंदर हमने चेंजिंग कर, इसे यहीं पर नीचे प्रिंट करा लेता हूं,
लूप के जरिए इसी लूप में प्रिंट करा रहे हैं। इसी लूप का मतलब नेम चेंज करें और प्रिंट करें अगर ऐसा नहीं होता। हाँ प्रिंट सारे नाम करेगा लेकिन जहां ऐसा नहीं होता वहां उसी का करेगा, रिप्लेस करें। अब जहां ये था हसन अहमद यहां पे आ गया वसीम अकरम, रिप्लेस हो गया, कंफर्म हो गया, रिप्लेस हो गया। अब एक काम करते हैं सहरे को नीचे फिर से प्रिंट करा के देखते हैं कि वाकई ओरिजिनल एरे में चेंज हुई या नहीं हुई। ऐसा तो नहीं है कहीं बड़ी लूप तक कर दी थी चेंज। लाइन ऐसे लगा देता हूं ताकि आउटपुट में कंफ्यूजन ना हो। आठ तो भी कर सकते हैं, और इसी भी लगा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अभी मैं ये वाला किसी वजह से लगा रहा हूं। चेंज हो गया ओरिजिनल एरर, ये नीचे वाला ओरिजिनल एरर प्रिंट करेगा जो ऊपर आया है, ऊपर वाला है, ठीक है। नहीं ऊपर ऊपर ढूंढते गए कि ओरिजिनल में चेंज कर दिए, ओरिजिनल में चेंज कर दिया ना, नहीं अभी जब ओरिजिनल वाले को देखेंगे तो चेंज हो चुका होगा, तो जब लेके आया तो चेंज हो चुका होगा। तो इसको जब मैं प्रिंट करूंगा ना नेक्स्ट टाइम तो देखें दोनों में वसीम अकरम आ बोल रहा था, काउंटर बनाया है कभी बाहर जो स्वैपिंग वगैरह वो बाहर की वैल्यू उसको चेंज करता रहता है ना, तो एरे तो बाहर है ना फॉर लूप से उसको भी चेंज करता है ना। अगर ये डिक्लेयर के अंदर हुआ फिर ये नहीं करता, ये डिक्लेयर तो बाहर हुआ है ना, तो ये समझ आई लॉजिक कि मैंने लूप के जरिए चेंज कर ली। नीचे वाला लूप सिर्फ कंफर्मेशन के लिए दिखाया मैंने आपको कि वाकई उसने काम कर दिया, ओरिजिनल एरर में चेंजिंग हो गई। इसी तरह अगर सर फॉर ईच में अगर हम कुछ कर लें ऊपर वाला एरर प्रिंट कर रहा है नीचे चेंजिंग कर रहा है तो क्या हो गया है ना, तो उसका भी सेम होगा या कुछ अलग है, तब क्या होगा। ये क्या करता है, ये ओरिजिनल तक आपको एक्सेस दे देता, आप ओरिजिनल पे एक्सेस है, ओरिजिनल साथ जो कर लें। अब आया था फॉर ईच में, यही काम फॉर ईच में करते हैं किसमें बिल्कुल। अब देखें ये काम भले प्रिंटिंग ऐसे हो वैसे हो एक ही बात होती है। अब ये जो चेंजिंग है ना यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फॉर स्ट्रिंग एज नेम्स इफ एज डॉट इक्वल्स सनेमन प्रिंट एलिमेंट्स, ये चीज मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, ठीक है कोड स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाला कोड चला। इसमें क्या हुआ, एस में लेके आ रहा है नाम एडिट करके, जहां नाम हसन अहमद आया है उस नाम को चेंज करके वसीम कर। अब इसका देखते हैं आउटपुट क्या आता है, चेंज हो गया। लेकिन यहां टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस, इसने चेंज किया है एस को, और एस में आई थी उसकी कॉपी, ओरिजिनल एरर नहीं आया है यहां पे। अभी अगर हम नेम्स के एक इंडेक्स को एक्सेस करें ऐसा ना आएगा, इसने ओरिजिनल में चेंजिंग नहीं की, इसने अपनी कॉपी में, क्योंकि स्ट्रिंग जो आप बात कर रहे हैं स्ट्रिंग यहां डिक्लेयर हुआ स्ट्रिंग एस में चेंज किया, यही मैं क्लियर करने के लिए दोनों दिखा रहा हूं। अब अगर मैं किसी भी लूप से उसको प्रिंट कराता हूँ ना नीचे चेक करता हूँ कि वाकई ओरिजिनल में चेंज हुआ या नहीं हुआ, इसको
हाँ कह सकते हो मेमोरी के लिए है, तो अगर नीचे वो हसन अहमद ये चेंज नहीं, ऊपर वाले ने अपने लिए तो चेंज कर दिया उसने, पॉइंटर को एक्सेस नहीं। तो फॉर ईच और फॉर में ये है कि फॉर ईच के पास कॉपी आती है जस्ट, उस पर वो जो काम करना चाहे कर ली, फॉर लूप ओरिजिनल में एक्सेस कर। सिर्फ प्रिंटिंग के लिए होता है, जब आप प्रिंटिंग कर रहे हो या कोई रिपोर्ट बना रहे हो कर सकते हैं, बस ये होता है उसमें रेंजेस के मसले, रेंज देना है ये देना ना, इन्होंने एक हाइड्रेशन के लिए बना के दिया था क्या, पूरे पूरे कलेक्शन को एरे के अलावा कलेक्शन और भी हम पढ़ेंगे, पूरे पूरे कलेक्शन को हाइड्रेट कर दो बस। तो ये क्या करता है, आपको कलेक्शन ला रहा था आप उस पर काम करते रहते, ओरिजिनल पे बार बार मेमोरी से उठा के नहीं लाते, एक तरह सारा उठा के लाया अपने पास काम करते रहे। हमने और एक यूज किया, हाँ, 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 बाहर नहीं कर सकते नहीं, यहाँ देखो इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर कहीं भी कर सकते हो, इसके बाहर, इसके बाहर नहीं कर सकते। अब ये मेमोरी में आया था आगे लैंग्वेजेस में जैसे सी शार्प में पूरा फॉर ईच लिखना पड़ता है, इसमें तो फॉर ईच पूरा नहीं लिखना है, मॉक पूरा ही लिखना पड़ता है, अक्सर लैंग्वेज में पूरा पूरा सेंटेंस सही है। सिंपल एरेस अभी तो है, एरे और काफी है हमारे पास, सिंपल एरे डिक्लेरेशन और प्रिंटिंग है, पास करना भी हमने देख लिया किस तरह होता है ना स्टार्टिंग में, मेथड पास करना भी देख लिया। अब आपका है फ्राइडे क्लास, ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं, ठीक है, ईजी। लेकिन इस दफा मैंने डिसाइड किया था, टास्क मैंने खुद रखा है कि कुछ मार्केट में जो चल रहा है हमारे पास उस हिसाब से टास्क होना चाहिए। सही है। अगर आप कहीं काम लेते हैं ना सॉफ्टवेयर हाउस में जाके या फ्रीलांसिंग पे, तो आपको जिस तरह काम दिया जाता है, एक फाइल दी जाती है उसमें डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, कुछ समझाता नहीं आता, सिर्फ एक फाइल आ जाती है उसमें डिस्क्रिप्शन लिखी होती है और आपको वो रिजल्ट देना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ एक फाइल, इसको मैं समझाऊंगा नहीं करना क्या, इसको पढ़ना है और इसके ऊपर टास्क बनाना है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल, ठीक है। मैंने सारा इसमें डिफाइन कर दिया और ये आप उससे पहले ले लें या इसकी पिक्चर्स ले लें जिस तरह आप चाहें। एक क्लास बनानी है बुक डॉट जावा के नाम से, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सब इसमें लिखा हुआ है, तो इसको देखते हुए आपने देखना है। मेरे पास एक क्लास मौजूद है जो मैं बनाऊंगा खुद, मैं खुद एक क्लास बनाऊंगा जिसमें इस क्लास के मेथड्स को कॉल करूंगा जो इसमें बनाओगे आप, और इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। जैसे इसमें कंस्ट्रक्टर का तरीका लिखा है बनाने का, मेथड पता है कौन कौन से, मैं अपनी जावा फाइल में आपके फाइल को एक्सेस करूंगा, आपके मेथड्स को एक्सेस करूंगा और आपके कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करूंगा और मेरी फाइल चलनी चाहिए। तो ये बिल्कुल, ये जो आपको मैंने क्लास दी है ना, ये मेरे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मेरा एक प्रोजेक्ट है पूरा, ये बुक्स रीडिंग का लाइब्रेरी का उसका हिस्सा है, आपकी ये क्लास मेरे उस प्रोजेक्ट में फिट होनी चाहिए। नहीं बन गया पूरा प्रोजेक्ट, बन गया, क्लास भी बन गई है, क्लास भी बनी हुई है मेरे पास, ठीक है। तो इस पर आपकी परफॉर्मेंस, इससे आपको फायदा क्या होगा, आपके लिए प्रोफेशनल उसमें ईजी हो जाएगा, आपको पढ़ने में आ जाएगा कैसे टास्क देते हैं और कैसे पढ़ के उसको करते। कॉन्ट्रैक्ट देखते रहते हैं, कहीं आप स्काइप मांग रहे हो, फोन नंबर मांग रहे हो, आप ब्लॉक कर देंगे,
या वार्निंग देंगे पहले दो तीन फिर ब्लॉक कर बाहर लेके ये बेटर है। यही वेबसाइट आपको वीडियो चैट ऑडियो चैट सब फैसिलिटी देगी। यही यही कर। अच्छा इसका भले आप पिक्चर ले लें या फाइल ले लें जैसे भी आपको सही लगे। अब इसमें एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, देखिए ये लाइन में लिखा हुआ है यू मस्ट यूज द स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन फॉर दिस। नेमिंग कन्वेंशन में आपको टाइम टू टाइम बताइए क्लास का पहला लेटर कैपिटल होगा, वेरिएबल का पहला लेटर स्मॉल से स्टार्ट होता है ना, मेथड्स का भी स्मॉल से स्टार्ट होता है। ये नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, रूल्स तो तीन है बस, मेथड के लिए वेरिएबल के लिए उसके लिए। सर बुक डॉट जावा क्लास का नाम है, बुक नाम बुक डॉट जावा पूरा नाम है, क्लास का नाम तो बुक है ना, बुक डॉट जावा फाइल है, क्लास का नाम तो बुक विद बी कैपिटल। ठीक है इसमें मेन मेथड आपने नहीं बनाना है, अगर बनाना चाहे अपनी टेस्टिंग के लिए कि मेरे मेथड सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा तो आप बना सकते हैं, बाद में मेरे मेथड हटा दीजिएगा लगे रख दीजिएगा मसला नहीं, सिर्फ क्लास देंगे नहीं एब्स्ट्रैक्ट नहीं कंप्लीट क्लास है। मेन मेथड मेरे पास बना हुआ है जिसमें ये बुक का ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है, बुक के मेथड भी कॉल कर। ठीक है सही है। ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं आपको मैं टाइम टाइम फ्रीलांसिंग जो आते हैं उठा के दे दूंगा ताकि आप खुद भी काम कर सको कुछ फ्री टाइम में समर वेकेशन में किसी में। ये इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है इसमें हार्डली ये 5 to 10 minutes का है, हार्डली ये $25-30 के होते हैं। हाँ ये प्रोजेक्ट सर एक फाइल $25-30 एक प्रोजेक्ट। फैब बैच 2 के नाम से हो। हाँ नहीं फाइव फैब बैच हाँ फाइव फाइव फैब बैच 2 वर्ड फाइव सेपरेटली बैच 2 ठीक है मंडे को ये नहीं है मिली नहीं फाइव ठीक है और कुछ करें ना करें यार।
एक क्लास बनाई स्टूडेंट जिसके अंदर एक मेथड, मैं क्या करूंगा उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उस मेथड को कॉल कर, तो आपने से मेथड स्टूडेंट क्लास बना ली तो वो कॉल उसके जो मेथड होती है बना, मैं इसको यूज करूँगा, इसको सब लिखा हुआ, पब्लिक कौन होगा, प्राइवेट कौन होगा, प्रोटेक्टेड कौन, सब लिखा हुआ। और कुछ कुछ चीजें नहीं भी होती लेकिन ये बहुत अच्छा डिफाइन हुआ, मैं आपको एक दो और दे दूंगा जिसमें कुछ कम डिफाइन होगा, ये करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका आप अपने प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें देखिए मेथड बने हुए ना, ये गेटर या इक्वल, इसको आप चेक कर सकते हैं कॉल करके, बाकी कॉल हो जाएंगे, इसका आउटपुट मैं चेक करूंगा मेरे पास आ जाएगा नहीं। ये सिर्फ एक पार्ट है छोटा सा प्रोजेक्ट, ठीक है।